में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात और पंजाब से करीब 2500 मजदूर श्रमिक ट्रेनों व बसों के जरिए गोंडा पहुंचे। इन सभी श्रमिकों को शहर के सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रोका गया, जहां पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। श्रमिकों को जिला प्रशासन की तरफ से राशन, लंच पैकेट व पानी दिया गया और रोडवेज बसों से उनके गंतव्य को भेजा गया। बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों को 21 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन का जो फेज 3 चल रहा है, उसमें लगातार जो SOP के अंतर्गत जो बाहर कहीं लोग रुके हुए थे या जिनको वापस आना था गोंडा, तो वो लगातार आ रहे हैं। वो स्पेशल जो श्रमिक ट्रेन हैं उसके माध्यम से भी आ रहे हैं। अभी तक 2 ट्रेन हमारे पास तकरीबन 2400 लोगों को ला चुकी हैं, जिसमें कई लोग अन्य जनपदों के भी थे। उनको UPSITC की बसों में कल रात में गंतव्य जनपदों में भिजवाया जा चुका है। आज एक पंजाब से जो ट्रेन आई है उनकी आज लिस्टिंग हो रही है और उनको सबको राशन सामग्री देते हुए और उनके खाने लंच पैकेट के साथ उनके पीने पानी पीने की व्यवस्था करते हुए और उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद लाइन लिस्टिंग करते हुए उनको भी उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। जो वहाँ से अमृतसर से आए हैं, क्या हो गया, नौकरी कर रहे थे, काम कुम चलता नहीं था, सरकार हमारा बुलाया है, यहाँ आए, मिला हुआ है हमको राशन पानी और क्वारंटाइन जा रहे हैं तरफ घंटा से।